हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। मेरी आज की वीडियो एक पाम के पेड़ पर है। वैसे तो इस पेड़ को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काफ़ी ग्रोथ कर चुका है ये मेरा पौधा और मुझे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी सारी रूट बाइंडिंग हो रही होंगी, तो इसलिए मुझे ये आज बड़े पॉट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए, ये मेरा मैंने बड़ा पॉट लिया है। ये मैंने एक बड़ा पॉट लिया, इसे मैंने पहले वाइट पेंट किया और फिर ये रेड कलर के डॉट्स बनाए बड़े बड़े। अभी देखिए, मैं इसमें अपना पौधा लगाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें एक बड़ा ड्रेनेज होल है। ये देखिए, ये ज़रूर हर पॉट में होना चाहिए, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि इसका छेद का होना बहुत ज़रूरी है। और इसे अब हम एक ठिकरी से, एक पत्थर से रखेंगे। ये देखिए, इसे इससे रख दीजिए। इसके ऊपर हमें चाहे गत्ता या कपड़ा या टिश्यू पेपर है जो हमारा, इसमें इसके ऊपर रख देते हैं ताकि जो हमारे पॉट की मिट्टी है वो वेस्ट ना जाए। और इसमें हम थोड़ा सा, ये अपनी अंडे की ट्रे है, ये वेस्ट ही है, इसे हम डाल देते हैं। घर में आपकी कोई भी गत्ता है, न्यूज़पेपर है, जो भी वेस्ट मतलब पेपर होते हैं, उन्हें फेंकने की बजाय, बाहर गंदगी करने की बजाय आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। इससे उन्हें एक तो अच्छी खाद मिलेगी और कम से कम जो बाहर हम गंदगी फेंकते हैं वो गंदगी नहीं होगी। मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान कम से कम 10 पौधे अपने घर में ज़रूर लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन बनी रहे और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो वो कम हो और पोल्यूशन कम हो। तो हम ये लगा देते हैं, इसमें डाल देते हैं छोटे छोटे टुकड़े करके, और इसमें फिर डालूँगी मैं अपना किचन वेस्ट। किचन वेस्ट मेरे अपने किचन का ही है, जैसे कि सब्जियाँ हैं, आलू के छिलके हैं, खीरे के छिलके हैं, टमाटर है, चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती को हमेशा धोकर या तो आप सुखा लें, अगर नहीं सुखा सकते तो उसे साथ साथ किसी भी जगह एक जगह स्टोर करते रहें, थोड़ी धूप लगा दें और जब भी आप पौधा लगाएं तो उसमें वो चाय की पत्ती डाल दें। ये देखिए, मेरा सारा किचन वेस्ट ही है और मैं अब इसमें थोड़ा मैंने मिट्टी बुरादा मिक्स किया है, वो भी वेस्ट बुरादा है। ये देखिए, मेरे भुट्टो के छिलके हैं, ये भी सब इसमें गल जाएंगे। और ये मैंने थोड़ी सी बदरपुर या रिवर सैंड दोनों को मिक्स कर दिया है, वो भी इसमें डाल दिए ताकि हमारे ड्रेनेज होल में पानी का आने जाने का थोड़ा सिस्टम बना रहे और मिट्टी ना बहे। देखिए, मेरा सारा किचन वेस्ट है। हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हम अपने किचन वेस्ट को अच्छी तरह स्टोर करें, इकट्ठा करके किसी गमले में गला लें, तो हमें खाद की भी ज़रूरत नहीं है कि चलो भाई हमें खाद लानी है या हमें खरीदनी पड़ेगी, ये टेंशन होगी। हमारे पेड़ों में यही, मैं सिर्फ यही डालती हूँ और इससे मेरे पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। सारी इसकी जड़ें बिल्कुल रूट बाउंडिंग हो चुकी है इसकी, ये देखिए, इसीलिए मैं इसे लगा रही हूँ। इसमें देखिए और नए नए पौधे उग रहे हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो तो पेड़ों को निकाल लेना चाहिए, एक्स्ट्रा को काट देना चाहिए।
ये देखिए बस काफ़ी है। इसमें इतनी ज़्यादा अभी हुई नहीं है, काफ़ी सही है ये पौधा। अगर मैं चाहती तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चाहती थी कि ये बड़ा अच्छा बड़े पॉट में हो ताकि बार बार चेंज करने की दिक्कत ना हो। अभी मुझे 2-3 साल कम से कम चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमने इसमें थोड़ा सा अपना बदरपुर और रिवर सैंड और थोड़ा मिक्स कर दिया है ताकि हमारे इस पौधे में ज़्यादा पानी ना ठहरे। वैसे भी ये पौधा बहुत कम पानी लेता है। इसमें ये हम भर देते हैं सारा, इसे रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप दूसरे तीसरे दिन दे सकते हैं, हफ्ते में एक बार दे सकते हैं। जब तक आपके पेड़ की सरफेस बिल्कुल सूखी ना हो तब तक इसे पानी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम पानी लेता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़े से मॉस लगा दी है ताकि हमारा पेड़ खाली भी ना रहे और चारों तरफ से भरा भरा दिखाई दे और सुंदर लगे। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल हैं ये देखिए। और अब ये धीरे धीरे सारा भरने लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना। शुक्रिया।